नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रशासन शब्द से क्या मतलब निकलता है, मतलब प्रशासन शब्द का मतलब क्या है। ए में दिया है प्रबंध, बी में दिया है आदेश देना, सी में दिया है जननीति निर्माण करना, और डी में दिया है जननीति लागू करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्तृत रूप में यदि परिभाषा दी जाए तो लोक प्रशासन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया व्यवस्थापक, सभा शाखा का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया कार्यपालिका शाखा का प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी में दिया न्यायिक शाखा का प्रशासन। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है विधानमंडल से, बी में दिया है कार्यपालिका से, सी में दिया है न्यायपालिका से, और डी में दिया है प्रशासन से। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कार्यपालिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रशासन का अब इतना विस्तृत क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन अब करीबन जीवन के दर्शन के समीप आता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोफेसर एम पी शर्मा। ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर अमरेश अवस्थी। सी में दिया है डीमार्क, और डी में दिया है विलोबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेखक कौन है। ए में दिया है विलोबी, बी में दिया है व्हाइट, ऑप्शन नंबर सी है फिकनर, और ऑप्शन नंबर डी है ग्लेंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विषय का संस्थापक कौन माना जाता है। ए में दिया है व्हाइट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विलोबी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विल्सन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गुडनाउ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसके तर्क दिया था कि राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप में सरकार है। निम्नलिखित में से यह किसने तर्क दिया था कि राजनीति और प्रशासन स्पष्ट रूप से सरकार के दो कार्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाल्डो, बी में दिया है व्हाइट, सी में दिया है टीड, और डी में दिया है गुडनाउ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्डो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है। लोक प्रशासन आज किस नई विधा के समीप आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नीति विज्ञान के, बी में दिया है राजनीतिक विज्ञान के, सी में दिया है समाजशास्त्र के, और डी में दिया है अर्थशास्त्र के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति विज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने तर्क दिया है कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं, जो कुछ आडंबन सिद्धांतों का यह वास्तव में लोकयुक्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह किसने तर्क दिया है कि प्रशासन के सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं, जो कुछ आडंबर सिद्धांतों का है वह वास्तव में लोकयुक्तियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला था, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द सर्वप्रथम किसने बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यह उठाना था, और इसके में भी चार ऑप्शन दिए हैं, औद्योगिक धानी, ऑप्शन नंबर बी है प्रशासकीय निपुणता, ऑप्शन नंबर सी है नौकरशाही क्षमता, और ऑप्शन नंबर डी में है राज्य के खर्चे में कम खर्च। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक धानी। अगला क्वेश्चन है, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने तिरस्कार किया था।
संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत ने किसका तिरस्कार किया था ये बताना। ए में दिया विशिष्टता का, बी में दिया कार्यक्षमता का, सी में दिया मानव संबंध का और डी में दिया है पदोसोपन का, पदोसोपान का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव संबंध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत संगठन का वर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बंद व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खुली व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विरोधी व्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वातावरणीय व्यवस्था। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुली व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी अपने कार्य के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं इसे देख के गए नियम को कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी अपने कार्य के लिए कार्य बढ़ा लेते इसे देखे गए नियम को कहते हैं। ए में दिया वेबर की विधि, बी में दिया माइकल की विधि, सी में दिया पारंफिस की विधि और डी में दिया है हेवर्ड की विधि। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंसंस की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जिसमें फेयल ने संगठन के 14 सिद्धांत का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जनरल एंड इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर था, मैक्स वेबर कहाँ का था वो अपने को बताना है। वो ऑप्शन नंबर ए में दिया जर्मन, बी में दिया फ्रेंच, सी में दिया ब्रिटिश और डी में दिया अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया विलोबी द्वारा, बी में दिया व्हाइट द्वारा, सी में दिया विल्सन द्वारा, डी में दिया गुडनाउ द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट द्वारा। क्वेश्चन है, यह किसने अवलोकन किया कि मानव मात्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे न्यायपूर्वक साधन नौकरशाही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसर्टिन मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि प्रोत्साहित किया जा सके। ए में दिया विकेंद्रीकरण, बी में दिया प्रत्यायोजन, सी में दिया सहयोग और डी में दिया आदेश की एकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सी व्यवस्था की प्रमुख भूमिका होती है। ए में दिया है तानाशाही की, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजतंत्र की, सी में दिया है पूंजीवाद की और डी में दिया है कुलीन तंत्र की। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, फिकनर एवं प्रेस्टन से स्टाफ का वर्गीकरण किया जाता है। फिकनर एवं प्रेस्टन में ने स्टाफ का वर्गीकरण किया है तो कैसे किया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य तकनीकी एवं सहायक में। अगला क्वेश्चन है, जब एक विभाग में प्रशासकीय सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है तो इसे कहते हैं। ए में दिया है ब्यूरो, बी में दिया है बोर्ड, सी में दिया है कमीशन, डी में दिया है समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, जब प्रत्यायोजना प्रथाओं एवं परस्पराव पर आधारित होती है तो इसे कहते हैं। जब प्रत्यायोजना प्रथा एवं परंपराओं पर आधारित होती है तो इसे क्या कहते हैं अपने को बताना है। इसका तो इसका कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक। अगला क्वेश्चन है, गृहपालन सेवाओं को व्हाइट पुकारता है। गृहपालन सेवाओं को व्हाइट कौन से नाम से पुकारता है। ए में दिया संस्था संबंधी, बी में तकनीकी, सी में दिया सहायक और डी में दिया सामान्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायक। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक निगमों का उत्तरदायित्व है। ए में दिया राष्ट्रपति के प्रति, बी में दिया संसद के प्रति, सी में दिया कार्यपालिका के प्रति और डी में दिया प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय है। ऑप्शन नंबर ए में दिया लाइन सूत्र, बी में दिया सहायक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टाफ सूत्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रधान सूत्र। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, मुनि एवं रेले में पदा सोपान के सिद्धांतों को बताया है। ये में दिया नाला व्यवस्था, बी में दिया श्रेष्ठ अधीन संबंध, सी में दिया उत्तरदायित्व की तुल्यता और डी में दिया सीडी प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान के क्षेत्र के सिद्धांत का निर्माण किया था। ये में दिया ग्रेकुनाज ने, बी में दिया गुलिक ने, सी में दिया मुनि ने और डी में दिया सेलकर हर्सन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेकुनाज ने। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को आदेश केवल एक श्रेष्ठ द्वारा मिलने चाहिए, यह किसने कहा। ए में दिया फेवल, बी में दिया सेलकर हर्सन, सी में दिया व्हाइट और डी में दिया विलोबी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेवल। अगला क्वेश्चन है, सरकार में निम्न में से उच्च तुल्य की ओर प्रशासकीय संस्था के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यायोजना, ऑप्शन नंबर सी है पदा सोपान और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। निम्न में से केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। निम्न में से केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। ए में दिया ऑल इंडिया लिमिटेड, बी में दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सी में दिया दामोदर वैली कॉरपोरेशन और डी में दिया भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदों सोपान में सबसे खतरनाक दोष कौन सा है। ए में दिया श्रेष्ठ निम्न संबंध कायम रखना, बी में दिया संचार के मार्ग, सी में दिया लाल फीतशाही और डी में दिया उत्तरदायित्व तय करना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया उत्तरदायित्व तय करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फीताशाही। अगला क्वेश्चन है, जैन व्यय पर संसद नियंत्रण रखती है। ए में दिया स्पीकर के माध्यम से, ब्री में दिया प्रधानमंत्री के माध्यम से, सी में दिया नियंत्रक तथा महालेखाकार के माध्यम से और डी में दिया मंत्रिमंडल के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक तथा महालेखाकार के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का औजार कौन सा नहीं है। ए में दिया बजट, ऑप्शन नंबर बी में दिया नियुक्ति की शक्ति, सी में दिया लोक सेवा कोड और डी में दिया परमादेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए, ए में दिया मानवतावाद, बी में दिया कठोरता, सी में दिया पदस्थापन और डी में दिया व्यक्तित्व शून्य। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवतावाद। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत में मिलावट है। ऑप्शन नंबर ए है मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर बी है आदर्श एवं अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर सी है समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की और ऑप्शन नंबर डी है दर्शन एवं राजनीति शास्त्र की। तो हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत में कौन सी मिलावट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा या ऑप्शन नंबर करेक्ट वाला हो जाएगा सी, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की। एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग के लिए जनता को विश्वास दिलाने की क्रिया को कहते हैं। ए में दिया आदेश की एकता, बी में दिया नेतृत्व, सी में दिया सहयोग और डी में दिया समन्वय। इस क्वेश्चन में सी और डी थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो भी आपको डी को सी पढ़ना है, सी को डी पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, नीति एवं प्रशासन जुड़वा बच्चों की तरह राजनीतिक अभिन्न अंग है, यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, पीटर ओडगार्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के उपसभापति कौन है। ए में दिया प्रशांत कुमार, बी में दिया डॉक्टर राजीव कुमार, सी में दिया समीक सुंदर दास और डी में दिया है ब्रजेश कुमार। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजीव कुमार।
संरक्षक नौकरशाही को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षक नौकरशाही को क्या कहते हैं? तो जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूषित व्यवस्था। बाकी के ऑप्शन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है अपना, तो आप करेक्ट आंसर देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दूषित व्यवस्था। प्रजातंत्र में लोक सेवाओं की भर्ती का सिद्धांत तो होना चाहिए, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठता के हिसाब से। जब उद्देश्य होता है कि मूर्खों को बाहर रखा जाए तो ऐसी भर्ती की नीति को कहते हैं, तो ऐसे भर्ती की नीति को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। ठीक है, यह कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासकीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए शुरू में एक प्रथम परीक्षा होनी चाहिए? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कौन सी समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासकीय सेवा और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए शुरू में एक प्रथम परीक्षा होनी चाहिए? ए में दिया है कठोरी समिति, ए में दिया है कोठारी समिति, बी में दिया है प्रशासकीय सुधार आयोग, सी में दिया है संथानतम समिति और डी में दिया है कृष्णमाचारी समिति। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संगठनों में से किसका व्यय भारत के संचित कोष में से होता है? ए में दिया रेलवे बोर्ड, बी में दिया मंत्रिमंडल सचिवालय, सी में दिया गृह मंत्रालय और डी में दिया केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा है, ए में दिया अखिल भारतीय सेवा है, केंद्रीय सेवा है, राज्य सेवा है, साम्राज्य सेवा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवा। भारतीय पुलिस सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए में दिया राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर सी में दिया संसद के पास और ऑप्शन नंबर डी में दिया गृह मंत्रालय के पास। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी विचारक है? तो चार ऑप्शन दिए, वाइट, बी में दिया फेवल, सी में दिया उर्विक और डी में दिया साइमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन। निम्न में से भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा है? भारत का प्रधानमंत्री कौन अभी रहा नहीं है अभी तक, वो अपने को बताना है। ए में दिया है मुरारजी देसाई, बी में दिया है संजय गांधी, सी में दिया है चौधरी चरण सिंह, डी में दिया है गुलजारी लाल नंदा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय गांधी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मंत्रिमंडल के आकार को कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया राज्यपाल, बी में दिया मुख्यमंत्री, सी में दिया स्पीकर और डी में दिया विधानमंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल। विधानमंडल जो है वो विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया राज्यपाल में, बी में दिया मुख्यमंत्री में, सी में दिया मुख्य सचिव में और डी में दिया मंत्रिमंडल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है मुख्यमंत्री के प्रति, बी में दिया राज्यपाल के प्रति, सी में दिया विधानमंडल के प्रति, सॉरी सी में दिया विधानमंडल के प्रति और डी में दिया स्पीकर के प्रति। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, ए में दिया मुख्यमंत्री के प्रति, बी में दिया राज्यपाल के प्रति, सी में दिया विधानमंडल के प्रति और डी में दिया स्पीकर के प्रति।
और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के प्रति। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति होती है, ए में दिया राष्ट्रपति द्वारा, बी में दिया प्रधानमंत्री द्वारा, सी में दिया मंत्रिमंडल द्वारा, डी में दिया संसद के द्वारा। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य कार्य का संबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखा परीक्षण से। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थापित है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता अध्ययन टीम ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 1957, ऑप्शन नंबर बी। पंचायत राज का यथाविधि आरंभ हुआ था, प्रेजेंट में क्वेश्चन है, पंचायत राज का यथाविधि आरंभ कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति द्वारा कौन से राज्य के बारे में माना गया था कि वह पंचायत राज के कार्यकरण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका जो ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के जिलों में जनगणना का कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी है, ए में दिया जिलाधीश, बी में दिया कमिश्नर, सी में दिया पटवारी और डी में दिया तहसीलदार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय से हेनरी फोयल था, व्यवसाय से जो हेनरी फोयल थे वो कौन थे, वो अपने को बताना है, तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, एक अभियंता था। ठीक है, यह तर्क किसने दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है, क्वेश्चन है, यह तर्क किसने दिया था कि प्रशासन का विषय एक विश्वव्यापी महत्व का है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेयोल। अगर हमारी सभ्यता टूट जाती है तो वास्तव में प्रशासन की असफलता की होगी कथन किसका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइट। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाल्डो, बी में दिया है मेरियम, सी में दिया है साइमन और डी में दिया है वाइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन। तो इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का अपना यह पहला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन देखेंगे जो महत्वपूर्ण रहने वाले, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेके लेने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप एक दो बार थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूछने की संभावना है। तो नेक्स्ट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन लेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और गिने चुने क्वेश्चन लेंगे। तो अभी तक अगर आप